अगर हिंदी सिनेमा अपने लगभग 100 साल के इतिहास के साथ कभी एक शोरील बनाता है तो राजेश खन्ना मेरे सपनों की रानी गाते हैं, जबकि शर्मिला टैगोर एक ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकती हैं, निस्संदेह कटौती होगी। शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना अभिनीत आराधना उस समय की एक ऐतिहासिक फिल्म थी। इसने राजेश खन्ना की 15 फिल्मों की हिट स्ट्रीक शुरू की। किशोर कुमार ने नायक की आवाज के रूप में मोहम्मद रफी की जगह ली और निर्देशक शक्ति सामंत ने किसी अन्य के विपरीत हिट दी और शर्मिला टैगोर ने अपने भव्य गुलदस्ते के साथ उस महिला की भूमिका निभाई जो जीवन में सभी बाधाओं को पार करती है और जीतती है। संक्षेप में, वो असहाय युवती थी जिसे हर मोड़ पर बचत की आवश्यकता थी, लेकिन वह ताकत की एक मॉडल के रूप में प्रकट हुई थी। यहाँ आराधना क्या है, वो मर जाता है और वो गर्भवती हो जाती है। 1960 के दशक की फिल्म में एक मंदिर में शादी होने के बाद इस जोड़ी ने प्यार किया। अपने मृत प्रेमी के बच्चे को जन्म देने के बाद वंदना कुछ ऐसा बेहुदा करती है कि कोई भी दर्शक सहानुभूति नहीं रख सकता। जबकि 1960 के दशक में एक नाजायज बच्चे को रखना समाज के अनुकूल नहीं था, अगले दिन उसे गोद लेने के लिए छोड़ देना था। वंदना उसकी दाई बन जाती है और वो दूसरे घर में चली जाती है। अधिकांश मुख्यधारा की हिंदी फिल्मों के विपरीत आराधना को अविश्वास के निलंबन की बहुत आवश्यकता होती है। अनाथालय के लोग वंदना से पूछते हैं कि वो एक बच्चा क्यों गोद लेना चाहती है और वो जवाब देती है, मेरा कोई नहीं है और मैं घर पर उब गई हूँ। यह वास्तव में काम करता है। नवजात शिशुओं से भरा एक कमरा इस प्रकार है जहाँ वो सचमुच एक बच्चे के लिए खरीदारी कर सकती है। इतना अपरिपक्व, आपको आश्चर्य होता है कि क्या फिल्म निर्माता को लगा कि दर्शक मूर्ख हैं या वे उत्कृष्ट संगीत के बीच किसी भी कथानक को निगलने के लिए तैयार हैं। वंदना के आसपास सहायक पुरुष हैं। उस समय वो अपने पिता के साथ रहती थी। अरुण की मृत्यु के बाद वो अपने बच्चे की नानी बन जाती है क्योंकि एक अन्य लड़के का दावा है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसे बताया जाता है कि समाज तुम्हें जीने नहीं देगी और वो बिना किसी पूछताछ के इसे ले लेती है। वह जेल में समाप्त होती है और फिर पूर्व निवास पर। जेलर की वंदना 1960 के दशक के उत्तरार्ध में कुछ नहीं करती थी जब महिलाएं आजीविका के लिए काम करती थीं। हम उसकी डिग्री या रोजगार के बारे में कभी नहीं सुनते हैं और उसकी एजेंसी का उल्लेख केवल तभी किया जाता है जब उसे समझौता करना पड़ता है। 2022 में आराधना को देखना और यह महसूस करना अजीब है कि एक महिला की शक्ति को केवल दूसरों के लिए बलिदान करने की उसकी इच्छा से परिभाषित किया जाता है। फिल्म का शीर्षक आराधना अरुण की मृत्यु के बाद वंदना के संकल्प को दर्शाता है। जबकि वो अपने बेटे के वायुसेना अधिकारी बनने में कोई भूमिका नहीं निभाती है, हमें बताया जाता है कि फिल्म समाप्त होते ही उसकी आराधना पूरी हो जाती है। वंदना अपने जीवन में निष्क्रिय है और जीवन ने उसे कुछ बुरे काट दिए हैं। वास्तव में वो पूरी फिल्म में केवल एक दुखिया वैचारी महिला है।